आज हम धुंधमार की वंशवृद्धि और महर्षि गालब के बारे में विस्तार में वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी ने इस लंबी कथा का वर्णन करते हुए कहा कि हिराजन राजा कुबलाशव के जो तीन पुत्र बच गए थे उनमें ज्येष्ठ थे धृतराष्ट्र और चंद्राशव व कपिलाशव छोटे थे। धृतराष्ट्र का पुत्र हरिशव का निकुंभ था, वीर योद्धा हुए निकुंभ का पुत्र सहतावंश सहताशव। इस सहताशव की शादी हर्षवती नामक कन्या से हुई जिसके गर्भ से विश्व प्रसिद्ध पुत्र प्रसेनजित उत्पन्न हुआ। इसकी पत्नी का नाम गौरी जो पतिश्राप से बहुधा नामक नदी हो गई थी। गौरी बहुधा ने मांधाता नामक पुत्र उत्पन्न हुए किया जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला था। उसका विवाह शश बिंदु की कन्या चैत्ररथी से हुआ जो एक साध्वी और उत्तम रूपमती थी। इसके 10,000 भाई थे और चैत्ररथी के अपने दो पुत्र हुए पुरुकुट्स और मुचुकंद। पुरुकुट्स के त्रसदस्यु नामक पुत्र हुआ। इसके अपने पत्नी नर्मदा के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न किया। फिर संभूत का पुत्र सुधन्वा हुआ। सुधन्वा का त्रिधन्वा हुआ और त्रिधन्वा का पुत्र हुआ त्रयरूप। त्रयरूप के जो बेटा पैदा हुआ वह शक्तिशाली बलवान और वीर पुरुष था सत्यव्रत। सत्यव्रत ने अपनी मूर्खता और काम वासना से आसक्त होकर विवाह मंडप से कन्या का अपहरण कर लिया। उसे बलात् अपनी पत्नी बना लिया। इस पर सत्यव्रत के पिता महाराज त्रयरूप ने उसे नीच कर्मी कहकर त्याग दिया। पिता की बात सुनकर सत्यव्रत वशिष्ठ जी के पास गया। वशिष्ठ जी ने भी उसे क्षमादान नहीं किया। अंततः वह चंडालों के घर में निवास करने लगा। इधर विश्वामित्र भी अपनी पत्नी बच्चों का त्याग कर समुद्र के शुष्क क्षेत्र में तप करने लगे। पत्नी निर्वाह हेतु बच्चे के गले में रस्सी बांधकर गौओं की तरह बेचने लगी। सत्यव्रत ने बच्चा लेकर भरण पोषण किया। कालांतर में वह बच्चा भी महर्षि बना। गले में रस्सी बांधे जाने से ही उसका नाम गालव पड़ गया।